गाना होगा, इसलिए हेलो मेरे किचन मास्टर। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी, आप देख सकते हैं ये है महुआ। तो महुआ दोस्तों गांव में मिलता है ताज़ा महुआ, लेकिन शहर में आपको सूखा महुआ मिलेगा। तो मैं आज सूखा महुआ का महुर बनाऊंगी, तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने घर में बड़ों से पूछ सकते हैं। पुराने ज़माने में दादा दादी इसका इस्तेमाल बहुत किए हैं, उन लोग का ये फेवरेट था। तो दोस्तों आज उन लोग का डिश आज हम लोग बनाकर टेस्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले अच्छे से वाश करूँगी, क्योंकि दोस्तों महुआ के बीच में इसका बीज होता है बिल्कुल जीरा जैसा पतला पतला, तो उसको कैसे निकालना है। तो आप इसको पानी में डाल दीजिए, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर लीजिए, पूरे बीज ऊपर आ जाएगा। 3-4 बार धोइए। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे इसको साफ कर रही हूँ, पूरा गंदगी बाहर आ गया। तो आप देख सकते हैं महुआ बिल्कुल साफ हो गया। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ फूलने के लिए। तो दोस्तों मैं 1 घंटे बाद आपसे दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं महुआ सही से फूल गया है। अब मैं इसका पेस्ट बना ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कलर इसका कितना चेंज हुआ है, तो ये फूल गया है अच्छा से। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा पानी डालकर ना पीसें, अगर आप ज़्यादा पानी डालकर पीसेंगे तो आपको ज़्यादा आटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए पेस्ट हो गया। अब चलिए इसको बड़े बर्तन में पलट देते हैं। अब क्या इसमें डालना है, आपको चीनी डालना है, क्योंकि दोस्तों ये ताज़ा महुआ नहीं है, सूखा हुआ महुआ है। ताजी महुआ का गांव पे बनाया जाता था, तो उसमें चीनी का इस्तेमाल दादी नानी नहीं करती थी, क्योंकि वो ताज़ा था। ये सूखा है तो इसमें चीनी का इस्तेमाल आपको करना होगा। अब मैं इसमें डालूँगी आटा। तो दोस्तों आटा कितना डालना है, पेस्ट में जितना आटा लग सके उतना आपको लगाना होगा। इसलिए न मैं बोली कि आपको महुआ में ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसना है, अगर आप ज़्यादा पानी डालकर पीसेंगे तो आपको ज़्यादा आटा का खर्च होगा, तो इसलिए आप पानी 1 या 2 चम्मच डालें। तो देखिए दोस्तों मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जैसे हम लोग ठेकुआ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये पकवान बनेगा। दोस्तों इसमें बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, ये सब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, अगर आप एक बार नहीं खाए होंगे तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए हमारे कहने पे। देखिए दोस्तों कितना आटा ये पी रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो दोस्तों महुआ का तेल भी बनता था, आजकल नहीं बन रहा है। बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उन लोगों को कमर में दर्द, घुटने में दर्द होता था, तो महुआ के तेल ही इस्तेमाल करते थे। महुआ का तेल लगाते थे, उनका दर्द चुटकियों में गायब हो जाता था। महुआ बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, लेकिन आजकल बहुत कम मिल रहा है। तो मैं आपसे दिखाती हूँ कि कैसे इसका शेप दें। तो देखिए पहले गोल बॉल्स कट कर लीजिए, हाथ में तेल लगाकर दोस्तों इसे चिपटा कर दीजिए। देखिए ऐसे कर कर, आपके पास साँचा हो तो आप साँचे पर रख के ऐसे उंगलियों के सहारे से दबाकर शेप दे सकते हैं। कितना बढ़िया शेप आया है। तो दोस्तों ऐसे ही हम सभी महुआ को बना लेंगे, इसमें खर्च बहुत कम है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो दोस्तों ऐसे ही हम सभी महुआ को बना रहे हैं। अब चलिए दोस्तों तल लिया जाए।
तो मैं गैस पे कढ़ाई को रखती हूँ गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तो दोस्तों आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं, घी ना हो तो रिफाइंड में भी इसको छान सकते हैं। तो देखिए तेल गर्म हो गया, अब मैं इसको एक एक करके तल ले रही हूँ। तो तेल को अच्छे से गर्म कर ले, उसके बाद पकवान को तलें। तो दोस्तों गैस को लो फ्लेम पे कर दें, अगर गैस हाई फ्लेम पे रखेंगे तो जल्दी जल्दी फूल तो जाएगा लेकिन अंदर से कचापन रह जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही हम सभी को तल लेंगे। तो आप भी अपने दादी नानी जो भी हैं आपके घर में, आप उन लोग को ये पुराना रेसिपी दीजिए, उन लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर आप भी नहीं खाए होंगे तो आप भी खा लीजिए। तो ये बहुत कम समय में बनता है, आप देख ही सकते हैं बिना मेहनत के, बिना कोई झंझट के कितना बढ़िया पकवान बन गया ना। तो दोस्तों मैं आपसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया बना है अंदर से। तो दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं खाए होंगे तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा महुआ का रेसिपी आपको कैसा लगा। दोस्तों पसंद आया कि नहीं? अगर नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करके बताइए कि बढ़िया नहीं बना था, अगर पसंद आया तो भी बताइए कि हाँ बढ़िया लगा। तो दोस्तों आप भी अपने घरों में ट्राई कीजिए। थैंक यू।